हेलो एस्परेंट्स मेनी स्टूडेंट्स हुए आस्किंग थ्री इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज़ सर प्रिम्स के लिए नोट्स कैसे बनाने चाहिए सेकेंड क्वेश्चन वाज़ एनवायरमेंट का स्टैटिक एंड करंट लीकेजेस कैसे करें एंड थर्ड क्वेश्चन वाज़ सर आपकी जो एनवायरमेंट मॉड्यूल है इन टारगेटेट वन प्लस एंड संकल्प प्रस उसका क्वालिटी कैसा है द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेलू इस लेक्चर के साथ आई विल अटैचिंग द नोट्स ऑफ वन ऑफ आर स्टूडेंट्स हु इज पार्ट ऑफ संकल्प प्रिम्स बैच आप उनके नोट्स देख सकते हो हाउ शी इज मेकिंग नोट्स फ्रॉम द लेक्चर्स सेकेंडली विद रिस्ट टू हाउ टू अप्रोच एनवायरमेंट फ्रॉम करंट एंड स्टैटिक अप्रोच जैसे ही मेरा पार्ट खत्म होगा we'll be having 30 to 40 minutes का लेक्चर हमने एनवायरमेंट कैसे पढ़ना चाहिए इन होलिस्टिक वे विध करंट एंड स्टैटिक लिंकेजेस वो मैंने समझाया है वो लेक्चर देखते देखते आप इंश्योर कीजिए कि वो स्टूडेंट्स के नोट्स फॉलो कीजिए जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे अप्रोच करना है प्लस नोट्स मेकिंग में क्या अप्रोच चाहिए दोनों चीजें क्लियर होगी थर्ड इज हमारे जो एनवायरमेंट मॉड्यूल है संकल्प प्रिंस बैच में एंड टारगेट एडवांस बैच में उसकी भी क्वालिटी

नॉन लिविंग थिंग्स इज द एनवायरमेंट सो बेसिकली एनवायरमेंट इज एनिथिंग विच इज सराउंडिंग नेक्स्ट काम वॉट डू अंडरस्टैंड ठीक है ठीक है बेसिकली इको सिस्टम इज द इंट्रैक्शन इंट्रैक्शन बिटवीन स्मॉल कम्युनिटी अ स्मॉल कम्युनिटी इट कैन बी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग जो इंडिविजुअल्स होता है उसका इंटरेक्शन इंटरैक्शन को हम क्या बोलते हैं इट इज कॉल्ड एज इट इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स थिंग्स विच इंटरक्ट विच सॉरी विच इंटरैक्ट विथ इच अदर Interacts with each other in a specific environment. So consider, <coughs> so consider a classroom. Classroom is an ecosystem. Classroom is an ecosystem. Why it is an ecosystem? Because you have here living things <coughs> in the form of students and non-living things in the form of desk and the interaction between them. <laughs> and what we have is the interaction also. So, so students interact with each other. Students interact with teacher. So this entire community of living and non-living things and their interaction is called as ecosystem. Is called as ecosystem. Okay, done. So environment is anything which is surrounding an individual. Ecosystem is a is a is a community of living and non-living things which interact with each other, which interact with each other. And what we have is ecosystem is <coughs> ecosystem. Ke, there are two parts. Ecosystem has a structural part hota hai, and a functional part. Hota. Structural part is the फिजिकल पार्ट फिजिकल पार्ट सो टू गिव यू एन एक्साम्पल मैं सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगा and then I'll tell you with respect to environment. क्योंकि द मोर यू आर एबल टू रिलेट विद इट तो स्ट्रक्चरल पार्ट जैसे हमने इको सिस्टम का क्लासरूम का एग्जाम्पल दिखा उसमें स्ट्रक्चरल पार्ट क्या रहेगा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एंड द फंक्शनल पार्ट इज बेसिकली प्रोसेस विच हैपन्स इन द इको सिस्टम अब प्रोसेस क्या है

वेरियस फंक्शनल प्रोसेस सच एज न्यूट्रियल विच इजनिंग विद इन द इको सिस्टम तो दैट इज द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द इको सिस्टम सो विद रिस्पेक्ट टू इकोसिस्टम इकोसिस्टम इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी यूनिट ऑफ इकोलॉजी अब इकोलॉजी मतलब क्या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ इकोलॉजी अब स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल uh, समझ गया फंक्शनल समझ गया अब इकोलॉजी क्या है इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ दिस इंटरेक्शन स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी इकोलॉजी तो वी स्टार्टेड विद एनवायरमेंट आपको इको सिस्टम समझ आया इको सिस्टम इज कम्युनिटी ऑफ नॉन लिविंग एंड लिविंग इंडिविजुअल्स विच आर इंटरक्टिंग विद अब इकोसिस्टम में क्या हो रहा है टू थिंग्स इकोसिस्टम में

Organ, organization in ecosystem levels of organization in a ecosystem okay? ecosystem so in a ecosystem there could be to, where what are the various level of organ organization in a ecosystem first is individual individual is so if you see a <coughs> See, अगर हम क्लासरूम का एग्जाम्पल लेंगे तो एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट दो सेम स्पीशीज से हम ह्यूमन बींग्स लेकिन एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट देन उसके ऊपर आता है वॉट वी हैव स्पीशीज। उसके ऊपर आता है पॉपुलेशन पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ अ ग्रुप ऑफ कॉमन स्पीशीज कॉमन स्पीशीज स्पीशीज नेक्स्ट उसके ऊपर आता है कम्युनिटी अब इसमें क्या होता है सेम स्पीशीज होता है पॉपुलेशन में व्हाट वी लुक इज अ ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज नेक्स्ट उसके ऊपर आता है कम्युनिटी कम्युनिटी इज वेयर डिफरेंट स्पीशीज लिव टुगेदर इन अ इन अ इकोसिस्टम इन अ इकोसिस्टम उसके बाद आता है बायोम बायोम इज अ लोकेशन वेयर वेरियस कम्युनिटीज लिव टुगेदर एंड देयर एंड देयर फिजिकल फीचर्स देयर Their functional features are being affected by the common climate where they live. Common climate where they live. Okay? Common climate where they live. Right? <laughs> <Okay>? <laughs> so, so what we've looked is we have individuals, we have population in an ecosystem, we have community, we have biomes.

पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लिविंग ऑर्गेजमेंट लेवल ऑफ ऑर्गे इन इकोसिस्टम सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद इंडिव्यूजल इंडिविजुअल इज अबर ऑफ अफिक स्पीशीज देन पॉपुलशन इज अ ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज सेम स्पीशीज कम्युनिटीज कमिंग टूगेदर

वू डू इज वी कैलुलेट वॉट वी डू इज वी कैल्कुलेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ At a specific time period, तो इसमें क्या है नंबर ऑफ अ स्पेसिफिक स्पीशीज नंबर ऑफ स्पेसिफिक स्पीशीफिकोकेशन इनके बात करते हैं तो इंडिया का सेंसेस बोलते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी क्योंकि हम ट्वेंटी ट्वेंटी वन बोल रहे हैं प्लस हम क्या बोल रहे हैं इसमें इंडिया बोल रहे हैं इंडिया बोल रहे हैं एंड सिर्फ ह्यूमन बींगजन का बोल रहे, Indian citizens का बोल रहे तो ये क्या हो गया ये census हो. Census हो. ह्यूमन yeah, बींगस का बोल रहा है विच इज ह्यूमन बींगस ऑल द होमोसेपियंसरी बोलते हैं सिमिलरली विध रेस्पेक्ट टू एनवायरमेंट वी कंडक्ट वेरियसेंटलीस्पेक्ट टू टाइगर टाइगर लायन सेंसेस एवरी फाइव इन वी हैव फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया

we have elephant census which happens every 5 years

एट द नेशनल लेवल सिर्फ एक एनिमल का करती है दैट इज टाइगर बाकी सारे सेंसेस जो एनिमल्स के होते हैं वो स्टेट लेवल पर होते हैं स्टेट लेवल स्टेट लेवल पर होते इंपॉर्टेंट स्टेट लेवल पर होते हैं ठीक है क्लियर है एवरी वन इज क्लियर एवरी वन इज क्लियर विथ रिस्पेक्ट टू दिस एवरी वन इज क्लियर राइट

ठीक ट इज ऑल्सो इट्स इट अ टाइप ऑफ असेसमेंट ठीक है ठीक है every, also, it's a, it's a थीके? थीके? अब हम द फर्स्ट एनिमल विच वुक गोइंग टू लुक सी हमने स्टार्टिंग इसके साथ हम करंट भी लेंगे करंट भी लेंगे थीके?

आर मेजरली जो एशियट जो एशियाटिक लायंस है वेर दे आर फाउंड उसका IUCN स्टेटस क्या है एंडेंजर्ड आपको पता चाहिए एंडेंजर्ड होता है ठीक है एंडेंजर्ड <coughs> है ठीक है मेजरली लायन हैज अ मेटा पॉपुलेशन मेटा पॉपुलेशन मतलब क्या ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी सो मेटा पॉपुलेशन इज देर इज अ देर इज अ कोर एरिया वेर द लायंस एक्चुअली स्टे एंड देर आर सैटेलाइट एरियाज वेर लायन गो

सेंचुरी सेंचुरी आप एस लिख लो सर पूरा वर्ड लिखने ठीक है, ठीक है. गिरनार गिरनार की जरूरत नहीं तो मेन्स में भी ये काम आएगा ठीक है इंक्रीज योर स्पीड एंड खुद के हैंड रिटर्न नोट आर द बेस्ट कंटेंट लास्ट में आप बोलोगे सर मेरा एनवायरमेंट दो दिन में रिवाइज हो रहा है एक दिन में रिवाइज हो रहा है चार घंटे हो रहा है जितने रिविजन बढ़ेगा ना यूल इंक्रीज स्पीड ठीक है ठीक है राइट तो वी हैव गिरनार सेंचुरी एंड लास्ट इज मिथियाला मिथियाला सेंचुरी मिथियाला सेंचुरी मिथियाला सेंचुरी ठीक है ठीक है ठीक है अब अब बहुत सारे देर इज बिन मतलब कंफ्यूजन भी है नेट पर देखोगे ना सम सेज कि ये जो तीन एरियाज है कौन से कौन से गिर सेंचुरी गिर नेशनल पार्क ये गिरनार हो गया गिरनार एंड मिथियाला कुछ लोग क्या बोलता है जो गिर नेशनल पार्क है गिर सेंचुरी है गिर सेंचुरी है गिर सेंचुरी है, एंड वो डी से वो डी से हमारा पनिया सेंचुरी कौन से ये ये जो एरिया है ना इसको ही कोर एरिया बोलता है गिर कंजर्वेशन एरिया बोलते हैं इसको इसको गिर कंजर्वेशन एरिया कुछ लोग इन तीनों को बोलते हैं कुछ लोग ये को बोलते हैं तो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड वी हैव लायंस इन इन दिस दिस मेजरली फाइव प्रोटेक्टेड कौन कौन से कौन से है? इसका लोकेशन आपको थोड़ा सा आइडिया चाहिए डार्केस्ट ग्रीन है इल्ड लाइफ सेंचुरी वी हैव एक एंडियालाटेंट चीज आपको पता चाहिए मेटा पॉपुलेशन का समझ आया ठीक है देर वॉज अर्टिकल न्यूज आर्टिकल वॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डू इज दे आर ट्राइंग टू मूव दिस टाइगर फ्रॉम फ्रॉम

If conservation, if there is a virus, there is a pandemic, all the lions would die at one in one go. So to protect them, we are transferring it to a surrounding place, hundred kilometers. So many conservation uh, conservation activists are saying this is this is a farce. Gujarat government do not want to move this lion apart from Gujarat. Actually, Supreme Court has said that they should be moved to Puno Palpur uh, National Park in. मध्य प्रदेश बट गुजरात गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू इंप्लीमेंट इवन सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देर से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज ऑल्सो इन गुजरात में उसका लोकेशन भी आपको शेयर करूंगा उसका लोकेशन भी शेयर करूंगा जिससे आपको आइडिया आ जाएगा वॉट वट गुजरात गवर्मेंट इज नॉट इवन लिसनिंग टू सुप्रीम कोर्ट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट डिसीजन सो दिस इज गिर ने पार्क एंड दिस इज बार्ड लाइफ देर जस्ट मूविंग इट क्योंकि वॉट कंजर्वेशन एक्टिविस्ट आर सी दैट

ठीक है इंपॉर्टेंट है समझ आया वायरस समझ आया विद रेस्पेक्ट टू लायंस यू शुड नो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जब वो बार्डा में मूव करेंगे बार्डा में दे आर ऑल्सो गोइंग टू मूव इंपॉर्टेंट कम्युनिटी मालधारी कम्युनिटी कौन सी कम्युनिटी मालधारी कम्युनिटी कौन सा कम्युनिटी ठीक है लिख के लो मालधारी कम्युनिटी मालधारी कम्युनिटी बिकॉज दीज कमिटीज है वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ लायंस मालधारी कम्युनिटीज़ मालधारी कम्युनिटी तो जब भी लायन की बात आए तो मालधारी कम्युनिटी पता चाहिए आपको बार्डा पता चाहिए कहाँ है लोकेशन गिर कंजर्वेशन एरिया कौन सा है कौनसे लोकेशन में आ, 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 कौन से फाइव एरियाज है जहां वेर यू फाइंड लायंस एक इंपॉर्टेंट है तो ये सारी चीजें पता है नेक्स्ट इज जब हम लायंस की देखते हैं लायंस की बात करते हैं तो यू शुड नो अबाउट एन इम्पोर्टेंट रिसेंटली जो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दैट इज प्रोजेक्ट लायन Project Lion. Project Lion, which was launched by Prime Minister Modi. Let's cover all the things at one place. Project Lion was launched in 2020 and it aimed at habitat development of tigers. It aimed at engaging modern technology in the conservation of tigers. Modern technologies in the conservation of tigers. It aimed at addressing human-animal conflict. Human animal conflict. It aimed at looking into the diseases.

हिल्स टाइगर रिजर्व अगेन राजस्थान फॉर गिव माई हैंडराइटिंग बट फोकस ऑन द कंटेंट ठीक है फर्स्ट इज माधव नेशनल पार्क सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश कुंबलगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुंबलगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी

diversity gives you an alternative to fight diversity helps us to have more mutations and uh, to have more uh, what do you say uh, 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 various types so that is a very good thing so diversity is necessary so if we have a disease which affects a specific type of genetics genetic code and if all the all the lines have similar genetic code or genetic sequence so

Few years back we had from 2018 to 2021, we had one more program with respect to conservation of lions, that is Asiatic Lion Conservation Project. Asiatic Lion Conservation Project, which was launched by MOEF between 20 Asiatic Lion Conservation Program. And this program also focused on the conservation of lions. डेवलपिंग क्या हो गया है यह इंपॉर्टेंट चीज मैं क्यों बता रहा हूं बिकॉज दिस वॉजर्ड और डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इंटीग्रेटेड

एक तो है प्रोटेक्टेड एरिया को सपोर्ट करना उसके अंदर की वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करना नेक्स्ट इज उसके हैबिटेट को सपोर्ट करना नेक्स्ट इज द सर्टन वाइल्ड लाइफ इज आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया उसको भी सपोर्ट करेंगे स्कीम के एंड थर्ड इज इज मोस्ट वी हैव रिकवरी प्रोग्राम फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज क्रिटिकली इंडेंजर स्पीशीज तो जो भी इंडेंजर स्पीशीज है उसको रिकवरी के लिए हम सपोर्ट करेंगे अंडर दिस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट ठीक है

What we are doing is we are calculating the number of snow leopards, or we are doing census of snow leopards. There was a news article that first snow leopard census, and this is done across all the Himalayan states. Jo Himalayan states hai, we have five Himalayan states where what you find is we find snow leopards. And for the first time, what we are doing is we are doing census in each state. So each state is doing its own census, decimandah.

ट्वेंटी थर्ड अक्टूबर को साइन हुआ था ट्वेंटी थर्ड 2012 ट्वेंटी ट्वेल्व लेकिन आई लुक इन टू इट मैं एक बार डिटेल में बताता हूँ उसका ठीक है तो ये पता चाहिए कि इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे कब सेलिब्रेट होता है क्यों सेलिब्रेट होता है बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड नो इंडिया में वी डू नॉट ओनली गेट स्नो लेपर्ड वी गेट टू अदर स्पीशीज उसमें कौन सा आता है एक तो है इंडियन लेपर्ड उसका भी स्टेटस है, एंड तो है. है? है? तो अब जो इंडियन लेपर्ड है इट इज फाउंड यू मस्ट सीन देयर सो मे न्यूज रिस्पेक्ट टू लेपर्ड्स तो सेमी अर्बन में आते है हैं ग्रासलैंड्स फॉरेस्ट सब जगह फाइंड लेपर्ड्स सॉरी इंडियन ले हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश स्नो लेपर्ड एंड क्लाउडेड लेपर्ड यूल फाइंड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन में इम्पोर्टेंट है क्लाउडेड लेपर कहा मिलता है नॉर्थ ईस्ट रीजन में मेजरली इन मिजोरम मिजोरम त्रिपुरा एंड मेघालय ठीक है ठीका?

समझ आए समझ आए वी हैव ठीक है ठीक है समझ आए नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज दो देंस विच इज हैपनिंग विद टू क्लाउड स्नो लेपर्ड्स इट इज इट इज हैपनिंग थ्रू टू वेज फर्स्ट इज इंटरव्यू विथ लोकल इंटरव्यू विथ लोकल्स एंड सेकेंड इज कैमरा ट्रैप कैमरा कैमरा ट्रैप ये दो तरीके से सेंसेस हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू तो स्नो लेपर्ड का ये आपको पता चाहिए इंटरव्यू एंड कैमरा ट्रैप ठीक है हेमिस हेमिस कहा है लद्दाख में इज नोन एज स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हेमिस को बोलते हैं ठीक है ठीक है अब स्नो लेपर्ड प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च वेरियस इनिशिएटिव वेरियस इनिशिएटिव स्नो लेपर्ड के लिए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इज हिमल संरक्षक इनिशिएटिव इट वॉज लॉन्च टू प्रोटेक्ट स्नो स्नोपर्स एंड इट इज अम्युनिटी बेस्ड कम्युनिटी वॉलंटियर प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट स्नोपर्स वीड वन इंपॉर्टेंट प्रोग्राम विच वॉज लॉन्च जो आपको पता चाहिए सिक्योर हिमालय प्रोग्राम

तो तीन चीजें सिक्योर हिमालय में करने वाले हैं फर्स्ट इज हिमालय इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करेंगे लाइवलीवुड इंश्योर करेंगे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन करेंगे हिमालय प्रोजेक्ट के अंदर करेंगे

जो ट्वेल्व बिश्केक डिक्लेरेशन को साइन किया गया था ठीक है। एंड दिस प्रोग्राम फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग हैबिटेट ऑफ स्नो लेपर्ड, साइंटिफिक साइंटिफिक कॉपरेशन इंटरनेशनल कॉपरेशन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ स्नो लेपर्ड्स शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस विद रेस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ स्नो लेपर्ड्स

ना वी स्टार्टेड विथ वी स्टार्टेड विथ स्टैटिक मैं यही बोलूंगा स्टैटिक सब कुछ कवर होने वाला है स्टैटिक एंड करंट दोनों कवर होने वाला है इट इज नॉट जस्ट अ करंट क्लास पहले स्टैटिक एंड करंट दोनों को लिंकेजेस होगा दोनों का लिंकेजेस एंड शोर बी रेस्ट एंड शोर्ड एवरी पार्ट ऑफ द स्टैटिक सिलेबस वुड बी कवर्ड

लिंक सेपरेट कर दोगे तो डेफिनेटली uh, uh, तो आप uh, से आपको पता चाहिए जो त्रिपुरा में क्लाउडेड क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी का भी वेर इज क्लाउडेड नेशनल पार्क इट इज इन त्रिपुरा ठीक है किसी ने पूछा लेपर्ड्स क्या है तो बता पाओगे बता पाओगे इसके बाहर लेपर्ड्स कुछ नहीं है कुछ नहीं है एक छोटा सा पार्ट रहेगा वो करंट अफेयर्स के लेक्चर्स में जो आएंगे उसमें ऐड होगा तो थोड़ा जगह लेपर्ड्स के लिए छोड़िए आज का जो करंट अफेयर्स का सेशन रहेगा उसमें लेपर्ड्स का और एक दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेगा वो इसमें ऐड कर देना राइट तो हमने लायंस कवर कर लिया हमने लेपर्ड्स कवर कर लिया नेक्स्ट आता है सेंसेक्स में टाइगर टाइगर इज इंपॉर्टेंट क्योंकि हम सेंसेक्स नहीं कवर कर रहे हैं उसमें हम उसके अराउंड पार्ट भी कवर कर रहे हैं, हैं। स्टैटिक पार्ट भी कवर कर रहे जैसे हमारा जम्मू कश्मीर जो अभी यूनियन टेरिटरी है वहां मिल रहा है उत्तराखंड सिक्किम uh, 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 हो गया अरुणाचल प्रदेश हो गया हिमाचल हो गया यू विल फाइंड स्नो लेपर्ड ऑल द हिमालयन फाइव हिमालयन स्टेट्स स्नो लेपर्ड इंडियन लेपर्ड ग्रास लैंड सेमी अर्बन एरिया मेजरली फॉरेस्ट सब जगह मिलता है एंड विद रेस्पेक्ट टू क्लाउडेड लेपर्ड तीन जगह है मिजोरम मेघालय एंड त्रिपुरा त्रिपुरा में वी हैव इज क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क डन ठीक है नेक्स्ट आता है टाइगर सबसे इंपॉर्टेंट है टाइगर टाइगर सेंसेक्स होता है एज आई टोल्ड यू जो एवरी फोर इयर्स होता है 2018 में हुआ था फिर 2022 में हुआ इसका रिपोर्ट 2023 में पब्लिश किया गया था 2023 में पब्लिश किया गया था ऑन द नाइन्थ ऑफ अप्रैल 2023 व्हाई बिकॉज़ इट वाज द 50th ईयर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर 50th ईयर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर था अब प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था 1973 अब 1973 में क्यों स्टार्ट हुआ क्योंकि इंदिरा गांधी विजिटेड 1972 का स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हम हाँ आगे देखेंगे

उसका रिपोर्ट के हिसाब से ठीक <coughs> है फिफ्थ स्टार्ट हुआ 2006 से टाइगर सेंसेक्स कंडक्ट करना फिफ्थ अभी है एवरी फोर इयर्स कंडक्ट होता है एवरी फोर इयर्स कंडक्ट होता है जो रीसेंट रिपोर्ट आया था उसके हिसाब से हमारा एवरेज नंबर व्हाट दे सेड वाज थ्री सिक्स एट टाइगर्स आर देयर इन इंडिया थ्री सिक्स इज क्लोज टू मतलब वट यू से

उत्तराखंड एंड महाराष्ट्र महाराष्ट्र वेरी गुड वेरी गुड याद रहेगा एम पी कर्नाटका उत्तराखंड एंड महाराष्ट्र ठीक है विद रेस्पेक्ट टू नेशनल पार्क भी आपको पता चाहिए सबसे ज्यादा कैन एनी वन टेल मी विच नेशनल पार्क हैजाइगर रिजर्व हैज सबसे ज्यादा टाइगर्स कैन एनी वन टेल मी कॉरबेट ट yeah, तो में सबसे ज्यादा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलेगा एवरी वन प्लीज स्टे थ्रू आउट द लेक्चर क्योंकि वॉट वी गोइंग टू कवर एज हम स्टार्टिंग पार्ट भी कवर करने वाले विदिशनल जो आप ट्रेडिशनल पढ़ रहे हो एंड दिस वॉट वी आर गोइंग टू डू इज we are going to cover in a holistic way the next is what i would like to tell you is tiger ka iucn status aapko side by side pata chahiye it is endangered sabko pata hai endangered hai secondly jo tiger hum census karte hain we what government does is it has divided uh, the entire india into five zones while conducting tiger census ab tiger census kon conduct karta hai ye important hai ntca and wildlife institute of india wildlife institute of india and ntca 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 National Tiger Conservation Authority National Tiger Conservation Authority National Tiger Conservation Authority is a statutory body under Wildlife Protection Act headed by MoEF 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 NTCA NTCA Then Wildlife Institute of India is an autonomous body research body under MoEF under MoEF situated in Dehradun 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 राइट राइट टाइगर सेंसेक्स लेकिन स्टैटिक पार्ट भी कवर हो रहा है पार्ट भी कवर हो रहा है लिंकेजेस करोगे तो याद रहेगा ब्रेन अगर आप वही पुराना टेक्निक पढ़ोगे तो नहीं हुआ यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन पूछेगा यहीं से क्वेश्चन पूछेगा इतना इंटरलिंकेजेस कोई नहीं देखा रहा है। कोई नहीं दे रहा हम इसके तो इस फाइव जोन में द वेस्टर्न घाट्स शोड अ डिक्लाइन इन टाइगर पॉपुलेशन ठीक है ठीक है

नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स एंड हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेस ठीक है ये सुंदर बन ठीक, ठीक है ठीक है ठीक है नेक्स्ट इज दिस टाइगर सेंसेक्स ठीक, ठीक है ठीक है ठीक है जब ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने टाइगर सेंसेक्स लॉन्च किया था उसी दिन वी इंडिया लॉन्च्ड अ ग्लोबल इनिशिएटिव दैट तो इज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था बिग कैट अलायंस ठीक है अब इसमें बिग कैट्स में कौन से कौन से हमने एनिमल्स कवर करेंगे इसमें हम टाइगर लायन लेपर्ड ठीक है स्नो लेपर्ड चीता जगुआर एंड प्यूमा तो ये सात

ठीक है एंड द मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल द मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिक मेंबरशिप मतलब हम हमारा एम है कि टू रीच आउट टू ऑल द 97 कंट्रीज बट इट इज द मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल ठीक है ठीक है राइट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भी हमने देख लिया अब टाइगर सेंसेस जब होता है ना दरा मतलब इसमें थ्री थ्री फेजेस में होता है थ्री फेजेस में होता है द फर्स्ट फेज क्या होता है यहां फील्ड डेटा कलेक्ट किया जाता है ऑन एम स्ट्रिप्स एप एम स्ट्रिप्स तो फील्ड डेटा इज वट द फॉरेस्ट ऑफिशियल दे मूव ऑन इन टू द फॉरेस्ट एंड दे लुक इन टू पग मार्क्स एंड दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट टाइगर्स तो फर्स्ट इज थ्रू फील्ड फील्ड डेटा ऑन ठीक है ठीक है एम स्ट्रिप्स तो इसमें हम क्या करते हैं कार्निवोर्स के साइन देखते हैं पग मार्क्स देखते हैं और डंग काउंट करते हैं तो जो फील्ड में उनको दिखता है कि कितने हैं वो पहले डेटा इसमें डाल दिया जाता है फिर होता है स्पेशल वर्ड यू से स्पेशल सेंसेस होता है ठीक है तो रिमोट सेंसिंग डेटा यूज करके हम क्या करते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं रिमोट सेंसिंग डेटा से रिमोट सेंसिंग डेटा से स्पेशल डेटा से रिमोट सेंसिंग स्पेशल डेटा से देखते हैं एंड थर्ड इज थ्रू कैमरा ट्रैप कैमरा कैमरा ठीक है, तो ये तीन स्टेजेस आपको पता चाहिए पता चाहिए अब हमने वर्ड क्या देख लिया यहां एम स्ट्रिप्स अब स्ट्रिप्स तो आप बोलोगे सर करंट है या स्टैटिक है, अब ये स्टैटिक है भाई ये आपको पता चाहिए यूपीएससी ने ऑलरेडी इस पर क्वेश्चन पूछा है। M अगर ये नहीं पता है आपने सिर्फ टाइगर ऊपर से देखा और कैसे होता है कौन कंटेट करता नहीं पता है एन स्टेटस नहीं पता है, नहीं पता है अब जब हम देखेंगे, तो उसमें हम क्या देखेंगे, हम उसमें लेटेस्ट देखेंगे कैसे होता है वो करंट अफेयर्स के लेक्चर्स में आएगा तो एवरी थिंग इज कवर्ड मैं यही बोलूंगा एवरी थिंग एवरी थिंग एवरी थिंग वुड बी कवर्ड दोनों कवर होगा लेकिन आप लिंकेजेस के साथ नहीं पढ़ोगे तो डेफिनेटली फाइंड डिफिकल्टूल फाइंड इट

पेट्रोल मॉनिटरिंग पेट्रोल रियल टाइम एनालिसिस ऑफ डेटा रियल टाइम एनालिसिस ऑफ डेटा एंड अल्टीमेटली दिस एप्स हेल्प्स इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइगर्स टाइगर्स तो ये ऐप किसको दिया जाता है और द फॉरेस्ट ऑफिसर जब भी, भी उनको कुछ मिलता है

ठीक है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में अब प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था बाय एमओईएफ एंड एम क्या था इसका टू टू प्रोटेक्ट हमारे बेंगाल टाइगर्स बेंगाल टाइगर्स बोलते ठीक है आई यू सी इन स्टेटस इंडेंजर्ड है ये आपको ऑलरेडी पता है टू कंजर्व टाइगर्स एंड हैबिटेट है इसका एम था टू प्रमोट अवेयरनेस क्ट टू टाइगर कंजर्वेशन नेक्स्ट इसका और एक एम था टू प्रोमोट टाइगर रिजर्व एज सेंटर फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग टू प्रोमोट टाइगर रिजर्व एज सेंटर फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग अलॉन्ग विध कंजर्वेशन कंजर्वेशन तो होगा टाइगर रिजर्व में बट ये करेंगे अलॉन्ग विथ एंश्योरिंग टाइगर कंजर्वेशन एवरी वन इज मेकिंग नोट्स राइटिंग डाउन पॉइंट लिंक हो रहा है चीजें लिंक हो रही है एट द एंड गोइंग टू रिवाइज एवरीथिंग वी आर गोइंग टू रिवाइज एवरीथिंग बट इट इज इंपॉर्टेंट आई वॉन्ट एवरी वन टू बी एक्टिवली पार्ट डू नॉट लिव क्योंकि जितना कंटेंट एक जगह पर मिल रहा है ना इसको कलेक्ट करने के लिए हमको दो दिन लग गए मतलब दो दिन एफर्ट्स तीन चार लोग बैठ के एफर्ट्स मार के एक जगह पर हमने कंपाइल किया इतने सारे सोर्सेस ठीक है तो फॉर अस वी हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च देयर इज अ यूनिक पेडागॉजी अलोंग विद दिस स्टैटिक पार्ट भी आपका कवर हो रहा है आपको समझ नहीं रहा है लेकिन

क्योंकि उड़ीसा में यू ऑल्सो फाइंड इरावी डॉल्फिन डॉल्फिन मिलते हैं अ न्यूज आर्टिकल विद रेस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट डॉल्फिन प्रोजेक्ट डॉल्फिन तमिलनाडु गवर्नमेंट इज इंप्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट डॉल्फिन प्रोजेक्ट डॉल्फिन प्रोजेक्ट डॉल्फिन प्रोजेक्ट डॉल्फिन राइट अब सेंसेक्स भी हो रहा है सेंसेक्स हम देख ही रहे हैं एनिमल्स का उसमें डॉल्फिन का भी सेंसेक्स है यूपी गवर्नमेंट एनिमल्स इनसे करता है आपको इसके बारे में पता चाहिए डॉल्फिन के बारे में पता चाहिए और ग्लोबल डिकलेशन ऑन रिवर एंड डॉल्फिन ग्लोबल डिकलेशन ऑन रिवर एंड डॉल्फिन वो भी ये था न्यूज में था वो भी देखेंगे सो वॉट वी अंडरस्टैंड थ्रू दिस इज दिस इज ए इंपॉर्टेंट टॉपिक देर कैन ब्वेश्चन हम सिर्फ एनिमल्स नहीं देख रहे उससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन देख रहे उससे रिलेटेड नेशनल पार्कस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये देख रहे हैं हम क्लाइमेट चेंज पोल्यूशन oh, सब कुछ कवर करने वाले यू जस्ट द प्रोसेस मैं यही बोलूंगा हम जो जो फॉर्मेट में ले रहे हैं ना आपको रियलाइज होगा इट इज बोथ इंपॉर्टेंट प्लस इंटरेस्टिंग प्लस विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम चलेगा एवरी वन देर विथ मी एवरी विद मी ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट पहले क्या देखेंगे द वॉज तमिलनाडु गवर्नमेंट हैोजेक्ट डॉल्फिन प्रोजेक्ट डोल्फिन कब लॉन्च हुआ था जब प्रोजेक्ट लाइन दो हजार में लॉन्च हुआ था उसी दिन इंडिपेंडेंस डे पर प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया गया था

तो इसमें प्रोजेक्ट डॉल्फिन में हम क्या करेंगे हम विल फोकस ऑन देयर हैबिटेट वॉटर विल ऑल्सो फोकस ऑन रिसर्च एंड मॉनिटरिंग एंड लास्ट इज कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्वमेंट अब सारे प्रोजेक्ट्स देखोगे ना तो ये यही चार पांच चीजों पर फोकस करता है कोई भी प्रोजेक्ट आता है

तो यूपी यूपी गवर्नमेंट एनुअली करता है गैंजेटिंग डॉल्फिन सेकेंड वी आल्सो लुक इन टू ओडिशा गवर्नमेंट इज आल्सो डूइंग सेंसेस अब इसमें मेथड कौन सा यूज होता है मेथड इज टैडम वोट मेथड टैडम वोट मेथड टैडम वोट मेथड यूज होता है टैडम वोट मेथड यूज होता है टैडम वोट मेथड नेक्स्ट आता है वी हैव ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन रिवर डॉल्फिन जो रिसेंटली साइन किया गया बाई इलेवन कंट्रीज एट बोगो बोगोटा कोलंबिया एंड दे एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द सिक्स रिवर एंड डॉल्फिन सिक्स रिवर एंड डॉल्फिन को वो प्रोटेक्ट करना चाहता है सिक्स रिवर डॉल्फिन एक्चुअली ये सिक्स रिवर एंड डॉल्फिन नहीं है ये फाइव रिवर डॉल्फिन एंड वन पोरपॉइज है पोरपॉइज इज अब डॉल्फिन

पर्पज कौन सा रिवर एंड पर्पज यांगजी यांगजी पिनलेस पर्पज पर्पज यांगजी पिनलेस पर्पज यांगजी पिनलेस पर्पज ठीक है ठीक है ठीक है इसमें कंट्रीज कौन से इन्वॉल्व है इसमें साउथ अमेरिकन एंड एशियन कंट्रीज इन्वॉल्व है ये इलेवन कंट्रीज कौन से हैं? इलेवन कंट्रीज कौन से हैं? एशियन एंड साउथ अमेरिकन अब एशियन में कौन सा होगा यहां इंडिया यहां पाकिस्तान यहां नेपाल यहां बांग्लादेश यहां कंबोडिया ये पांच कौन से कंट्रीज है ये इंडियन है बाकी यहाँ बोलीविया ब्राजील कोलंबिया इक्वेडोर कंट्रीज साउथ अमेरिकन कंट्रीज साउथ अमेरिकन कंट्रीज इलेवन कंट्रीज हैव हैव साइंड साइंड एन एग्रीमेंट दे अ डिक्लेरेशन टू प्रोटेक्ट द रिवर एंड डॉल्फिन सिक्स है अब सिक्स में मैंने जैसे बताया फाइव रिवराइन कौन से हैं याद लिखो लिखोगे तो याद रहेगा एमेजॉन ठीक है अमेजॉन

बिगेस्ट ये सारे क्या है, है. है चाइनीज डॉलफिन उसका नाम था बाइजी बाइजी जो अभी एक्सटिंक्ट हो चुका है पोटेंशियली एक्सटिंग है तो एक रिवर एंड डॉल्फिन अक्रॉस दर्ल्ड एक्सटिंग हो चुका है जो यंगजी रिवर में था चाइना में

मतलब हमने करंट uh, अफेयर्स में मतलब uh, जो आप अगर यूट्यूब फॉलो करते हो तो वहां देखा होगा नेक्स्ट इज टू अब ये ये जो जो यू से दिया था विध रेस्पेक्ट टू ये वार्निंग किसने दिया था इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन ने दिया था इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन ये कहाँ बेस्ड है मतलब ये बेस्ड है इम्पिंग कैम्ब्रिज में लेकिन ये कब एस्टेब्लिश हुआ था इट वॉज एस्टैब्लिश्ड

ठीक है, दे आर नॉट सेम दो एनिमल्स आपको पता चाहिए कि dolphins, what dolphins are, dolphins का जो होता 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 है, beak होता है, है, है. है. इसमें shorter होता है. Dolphins are curved, are not curved, इतना नहीं है. इसका फिन मेजरलीज फिनलेस पॉरपॉइज लेकिन ये जो नॉर्मल पॉरपॉइज है उसमें ट्राइंगुलर फिन होता है यहाँ कर्वड पॉइंटेड होता है तो ये डिफरेंस जानना जरूरी है जानना जरूरी ठीक है अब जाते हैं जैसे हम स्टैटिक पार्ट क्या होगा जब हम डॉल्फिन सेंसेक्स देख रहे हैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन देख रहे हो तो आपको गैंजेटिक डॉल्फिन के बारे में पता चाहिए तो गैंजेटिक डॉल्फिन कहाँ मिलते हैं दे आर फाउंड इन गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना रिवर सिस्टम गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना रिवर सिस्टम दे आर फाउंड इन करण फुली संगू रिवर इन नेपाल करण फुली संगू रिवर इंडस वाटर कहाँ मिलती है डॉल्फिन इंडस वाटर डॉल्फिन इट इज फाउंड रिवर एंड बियास इन इंडिया एंड इरावड़ी हम ये इसके बारे में आगे देखेंगे इरावड़ी इज फाउंड इन इरावड़ी रिवर इट इज इट इज सलाइन एंड फ्रेश वाटर दोनों में मिलती है इरावड़ी इसलिए छिलका लेकिन कोस्ट में मिलते हैं इट इज ऑल्सो फाउंड अलोंग हमारे uh, मतलब uh, तमिलनाडु के कोस्ट में भी यूल फाउंड इरावड़ी डॉल्फिन इरावडी डोल्फिन इरावड़ी रिवर में मेजरली ये मिलते हैं कि थी, तीनों का IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड है इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया एक्वेटिक एनिमल दिस इज ब्लाइंड गंजेटिक डॉल्फिन इज ब्लाइंड गंजेटिक डॉल्फिन का दूसरा नाम मतलब लोकल नाम सुसु है सुसु है इसका दूसरा नाम भोलन है भोलन भोलन है इंडस डॉल्फिन का जो स्नाउट होता है आगे का लॉन्गर होता है uh, तो हाउ डू यू हाउड लॉन्गर होता है इरावडी इरावडी आई टोल्ड यू रिवर में मिलते हैं प्लस महाकाम रिवर एंड मीकोंग रिवर तीनों रिवर्स में मिलता है तीनों रिवर्स में मिलता है तीनों रिवर्स में मिलता है

सबको कीस्टोन स्पीशीज पता है लेकिन कीस्टोन कीस्टोन स्ट्रक्चर भी आपको पता चाहिए एवरीवन इज देयर विद मी वी हैव वन डॉल्फिन सेंचुरी दैट इज विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी व्हिच इज इन बिहार बिहार विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी व्हिच इज इन बिहार अंडर अब देयर इज वन ऐप व्हाट डू यू से वन इनिशिएटिव अंडर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा

UPSC, you do not know mains aspect maybe they would ask you about dolphins or you, they might ask you about mains maybe initiatives government has taken to promote biodiversity. तभी भी ये initiative लिख सकते हो ना project tiger, project dolphin. आपको पता चलेगा. तो what जब भी भी आप problems aspect के लिए पढ़ रहे हो तो you have to keep something in mind कि इसको mains में कैसे use करो, कैसे mains में use करो. ठीक है, that would help you. तो ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, I am trying to tell you all the initiatives.

Content अगर आप खुद से पढ़ने चाहते हो ना यूल टेन ट्वेंटी सो आप ये मत कितना बड़ा लेक्चर है आपको ना ये दो आवर्स इज इकुल्स सेवन आवर्स ऑफ अदर लेक्स अदर आप जहां भी करोगे टेन आवर्स का लेक्चर है हम इतना एक जगह कंपाइल करके लास्ट में हम रिवाइज करेंगे तब रियलाइज होगा यार इतनी सारी चीजें पढ़ ली याद भी हो गई बिकॉज यू आर राइटिंग राइट ठीक है चलो नेक्स्ट इज एज सीन इज चिल्का आपको पता चाहिए चिल्का जो हमारा लेक है चिल्का लेक इज इंपॉर्टेंट क्योंकि हमने चिल्का पर वॉट वी सॉ इज वी आर डूइंग डॉल्फिन का सेंसस वी ऑल्सो डिड एन इंपॉर्टेंट सेंसेस यहां फिशिंग कैट फिशिंग कैट सेंसेस हुआ था वर्ल्ड फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसेस वर्ल्ड फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसेस ये कहा हुआ था इट है आई यू सी एन स्टेटस इज वरेबल ये इट इज ट्वाइस द साइज ऑफ आर नॉर्मल कैट ट्वाइस द साइज है प्लस ये नॉकटर्नल होती है Nocturnal, nocturnal. ठीक है nocturnal है तो ये आपको पता चाहिए फिशिंग कैट फिशिंग कैट आई थिंक सो दे आर द स्टेट एनिमल्स ऑफ वेस्ट बंगाल एक बार चेक करना स्टेट एनिमल ऑफ वेस्ट बंगाल एक बार चेक करना स्टेट एनिमल ऑफ वेस्ट बंगाल नहीं रहेगा uh... I'll check, किसी एक का uh, तो तो uh, uh, के बारे में चिल्का चिल्का, ज, 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 न, बारे में में आपको बताऊंगा। जो है ना उसके पता चाहिए क्योंकि ये static part आ गया अभी। तो हमने देख लिया कि वहां सेंसेक्स हो रहा है दो सेंसेक्स सेंसे इंपॉर्टेंट देख लिया लेकिन चिल्का लेक इज इंपॉर्टेंट बेसिकली इट इज एट द माउथ ऑफ दया रिवर ठीक है वॉज द फर्स्ट साइट इन इंडिया रामसर कन्वेंशन के अंडर रिकोगनाइज किया गया था ठीक है डेजिग्नेटेड वेटलैंड है डेजिग्नेटेड वेटलैंड है, ठीक है? है. Find, हमने देख इरावडी डॉल्फिन भी देख लीन स्टेटस हमने यहां हमने एनिमल यहा, हमने यहा, ठीक है यहाँ ग्रीन टर्टल भी मिलते हैं ग्रीन टर्टल ग्रीन टर्टल जिसका यूज इन स्टेटस एंडेंजर्ड है एंडेंजर्ड है यहां ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हियर यू हैव अराउंड चिल्का लेक वी हैव नालबाना बर्ड सेंचुरी कौन सा सेंचुरी नालबाना बर्ड सेंचुरी

पुलिकट लेक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ठीक है यहाँ फ्लेमिंगो फेस्टिवल होता है कौन सा फेस्टिवल फ्लेमिंगो फेस्टिवल फेस्टिवल इट इज द सेकंड लार्जेस्ट लगून आफ्टर छिलका सेकंड लार्जेस्ट लगून आफ्टर छिलका 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 सेकंड लार्जेस्ट अब फ्लेमिंगो की बात करेंगे तो फ्लेमिंगो इंडिया में दो तरीके के फ्लेमिंगोज मिलते हैं एक तो ग्रेटर फ्लेमिंगो एक है लेसर फ्लेमिंगो

here you will find siberian cranes you will find here pelicans spotted pelicans in koleru lake ठीक है अब साइबेरियन क्रेन कहां से आते हैं uh, मतलब दे दे कम फ्रॉम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दे कम इन विंटर्स टू इंडिया ठीक है साइबेरियन क्रेन का आईयूसीएन स्टेटस इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड आपको पता चाहिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड है साइबेरियन क्रेन साइबेरियन क्रेन एंड यहां पेलिकन फेमस है यहां पेलिकन फेस्टिवल भी होता है एक पेलिकन फेस्टिवल होता है इन कोलेरू लेक एंड पेलिकन यहां ग्रे और स्पॉटेड पेलिकन्स मिलते हैं इसका अगर मैं आपको फोटो दिखाऊंगा तो यूल रिमेंबर होलुरू लेक एंड पिलिकन इसका स्टेटस नियर थ्रेटेड है नियर थ्रेटेड नियर थ्रेटेड है थ्रेट ठीक है ठीक है Next is, हमने तीनों लेक देख लिया लोकेशन देख लिया वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जनवरी में यूजली वॉट वी है एशियन वाटर बर्ड सेंसेस मैं बताऊंगा क्या है जनवरी में कहा होता है कब होता है जनवरी में जनवरी uh, में यू हैव दिस एशियन वाटर बर्डेस एंड उसका जो रिजल्ट है सेंसेस का इट स्टार्ट कमिंग आउट नाउ नवंबर दिसंबर में तो 2023 का जो जनवरी में हुआ था उसका रिजल्ट अभी आ रहा है एंड न्यूज़ आर्टिकल का में, water sense, water रहे केरला में भी in अब ये जो एशियन वाटर बर्ड सेंसस है सो एशियन बर्ड सेंसस जो होता है इट इज कंडक्टेड बाई वेटलैंड इंटरनेशनल प्लस बी एन एच एस बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ इंडिया करता है वेटलैंड इंटरनेशनल एंड बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी वेटलैंड इंटरनेशनल करता है ग्लोबल लेवल इंडिया में वी इट इज डन बाय वेटलैंड इंटरनेशनल विद बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो मैंने बता दिया ठीक है अब वाटर, वाटर बर्ड्स बेसिक्स में जाना चाहिए वाटर बर्ड्स क्या होते हैं वाटर बर्ड्स आर बर्ड्स विच आर डिपेंडेंट ऑन वेटलैंड्स वेटलैंड्स ऐसे बर्ड्स विच आर डिपेंडेंट ऑन वेटलैंड्स वेटलैंड्स अब वेटलैंड इंटरनेशनल देख रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चाहिए इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन एडी नीदरलैंड्स एडी नीदरलैंड्स इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन रामसर कन्वेंशन के अंडर वी हैव सिक्स ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन उसी में एक वेटलैंड इंटरनेशनल है वेटलैंड इंटरनेशनल है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इज वॉट इट्स अ पैन इंडिया वाइल्ड लाइफ पैन इंडिया वाइल्ड लाइफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज सेटअप इन नाइनटीन एटी एटी थ्री सॉरी एटीन बायोडाइवर्सिटी रिसर्च इट फोकस ऑन एजुकेशन पब्लिक अवेयरनेस इन सब चीजों पर फोकस करता है मुंबई New... uh, में ठीक है थीके? अब इसका इसका जो लोगो है ना ये इट इज ग्रेटर इंडियन हॉर्नबिल है अब कभी लोगो देखना बी का इट इज ग्रेटर इंडियन हॉर्नबिल ठीक है एंड दिस बर्ड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज नोन एज फॉरेस्ट इंजीनियर इंजीनियर बोलते हैं या इसको फार्मर ऑफ द फॉरेस्ट भी बोलते हैं बिकॉज दे हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स डिस्पर्सल ऑफ सीड्स ठीक है समझ आए ग्रेटर इंडियन हॉर्नबिल ठीक है आई यूसी स्टेटस वलनरेबल हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ होता है कैन एनी वन टेल मी हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ होता है ठीक ना है नागालैंड वेरी गुड चलेगा तो अभी तक हम एनिमल्स हम वी डिड व्हाट वी डिड वॉज वी कवर्ड हमने एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, इकोलॉजी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कवर किया उसमें पॉपुलेशन देखा पॉपुलेशन के साथ सेंसेस देखा सेंसेस के साथ हमने देखा लायन कवर किया लेपर्ड कवर किया टाइगर कवर किया वी कवर्ड डॉल्फिन्स कवर किया हमने चिल्का लेक कवर किया हमने कोलेरू लेक कवर किया हमने पुलिकट लेक कवर किया ठीक है ये समझ आ रहा है हम स्टैटिक यहां थे हमने इंटीग्रेट करके करंट के बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए ठीक है